सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि देख आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि इमेज टैग का हम कैसे यूज करेंगे। अब इमेज टैग में है ना, कैसे हम फोटो का यूज करके, ठीक है, हम कैसे इस तरह का आउटपुट हम देखेंगे, इस तरह का हम आउटपुट कैसे देखेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने एक इमेज को आपको यूज करना है, अपने वेबसाइट में आपको इमेज में HTML यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, है ना। उसके लिए क्या टैग होता है, तो टैग उसका इम्पोर्टेंट ये है, इमेज है ना। और ये क्या है, मैंने फाइल सेव कर रखी हुई है। तो आप क्या करो कि जैसे मैंने यहाँ पे इमेज के अंदर में ये चार पांच फाइल मैंने डाउनलोड किया है, तो आप भी वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट से, कोई भी PNG आप या JPG आप डाउनलोड कर लो, है ना। तो मैंने क्या किया हुआ है, आप डाउनलोड कर लो फाइल, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप, ठीक है, और वो फाइल आप बाहर रख लो, है ना, आपके फोल्डर में रख लो, है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाइल रख लिया, 6 फाइलें रख ली है, आप भी फाइल रख सकते हो, है ना, डाउनलोड करके। तो हम देखते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम एक इमेज लेंगे, है ना, इमेज सेल्फ क्लोजिंग है ना टैग। अब इसमें उस फाइल का हम नाम रख देंगे, और उसमें क्या करेंगे, हाइट डाल देंगे और विड्थ डाल देंगे, और अल्ट क्यों डालते हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। जैसे आपने इमेज का कुछ जो रेफरेंस है वो गलत कर दिया, सेव कर दिया आपने, यहाँ पर सेव कर दिया। अब जैसे आप इसे रीलोड करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा। आपने अगर यहाँ पे अल्ट में अगर कुछ नहीं लिखा रहता, यहाँ पे अल्ट में आपने कुछ भी नहीं लिखा रहता, तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अल्ट का यूज समझना पड़ेगा कि मैं क्यों यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, आपका ये जो एरिया बन रहा है ना, ये एक तरह से आपका कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, है ना, और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, अगर आपका फाइल अब लोड नहीं हो रही है इमेज वाली, तो है ना। तो दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्ट में लिख सकते हैं, जो भी इमेज है उसके बारे में हम लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। ऑफिस लिख देते हैं, ऑफिस, है ना। देखो अब ये फाइल का नेम भी गलत है, तो हमें एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ से, है ना, कि ऑफिस, और ये हमारा प्लेस भी यहाँ पे कम ले रहा है ना, कि यहाँ पे इमेज प्रॉपर लोड नहीं हो पा रही, जो भी चीज़ का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अभी हम इसको सही कर देंगे, P1 कर देंगे, यहाँ पे ले लिया, कंट्रोल एस करेंगे, तो अभी देखिए ये आपका पूरा इमेज लोड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर हम बनाते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, हम फाइल में जाएंगे यहाँ पे, है ना, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे न्यू में गए, ठीक है, और हमने इमेज IMAG इमेज .html एंटर किया, इसके नाम से .html नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारी फाइल बन गई थी। अब फाइल बनने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ iNode को प्रेस करते हैं, देन एंटर करते हैं। ये हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आपको मिल गया, ठीक है। अब इस बॉडी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज लिखेंगे, IM यहाँ पे इमेज लिखा, ठीक है जी। अब इमेज के अंदर में आपको क्या लिखना है, अगर आप इसको क्लोज करोगे तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर में आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे src में लिखो, src, ठीक है। और जो भी आपका इमेज है ना, आप जिस भी नाम से इमेज सेव कर रखो, जैसे मैंने P1 से सेव कर रखा है, तो मैं अभी जैसे यहाँ पे P5 क्लिक करता हूँ, ठीक है, दूसरा कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब सेव किया यहाँ पे, इसको कंट्रोल एस किया, अभी आप यहाँ पे रीलोड करो इस फाइल को, देखो आपका ये आ रहा है, ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। तो अभी आप इसकी हाइट विड्थ देना चाहते हो तो दे सकते हो, यहाँ पे कि हाइट मैंने दे दिया यहाँ पे, जैसे 400 कर दिया, और यहाँ पे
ठीक है, 500 कर दिया। और अब हमने सेव कर दिया। अभी ये हम दूसरा देख रहे थे, वो गलत है, हम इमेज टू देखेंगे, है ना। इमेज टू हमने बनाया ना, वो देखेंगे। देखो ये हमारा इमेज टू था, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे अगर सपोज डेट, मैं क्या बता रहा था आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलत कर दिया, कुछ भी आपसे फाइल में गलती हो गई और आपने सेव कर दिया यहाँ पे, तो आपके वेबसाइट पे, यहाँ पे आपने सेव कर दिया, देखिए आपके वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिख रहा, इमेज नहीं दिख रहा और ना कोई इन्फॉर्मेशन है, और ये आपका जगह भी ज़्यादा ले रहा है। तो इसके लिए आप क्या करना, आपको हमेशा याद रहे, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, ALT, अल्ट अल्ट में आपको अल्ट में क्या करना है, उसके बारे में लिख दो। जैसे बर्ड है तो BIRD, इसका आपको SEO भी होते रहेगा, है ना। ठीक है जी, आप कंट्रोल एस करो और यहाँ पे रीलोड करो। तो देखो आपका ये एरिया जो ज़्यादा ले रहा था, वो एरिया भी ज़्यादा ले नहीं रहा है और बर्ड भी आपको आ रहा है ना, बट इमेज नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इमेज तो सही से दिया नहीं। तो आप इमेज की फाइल को सही कर दो, ठीक है। यहाँ 5 था, 5 डाल दो, ठीक है, जो भी इमेज है, ठीक है। तो अब देखो रीलोड करो, यहाँ पे देखो अब आपका प्रॉपर इमेज आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पर नंबर्स ऑफ कोड कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को कॉपी करो और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं P1 करता हूँ, ठीक है, प्रेस किया, यहाँ पे रिलोड किया। अब जो भी मैंने 5 6 5 जो भी इमेज रखा हुआ, वो सारे इमेज आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। दूसरा क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है जी। तीसरा कॉपी कर दिया यहाँ पे, चौथा कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज करते जा रहा हूँ फाइल का नाम। यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। ये मैं फाइल सेव करके रखा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, आप भी इसी ऐसे ही सेव कर लो फाइल, जो भी इमेजेज है आपके पास, ठीक है। यहाँ से सेव कर लो और फिर इसको आप रीलोड करो, यहाँ से रीलोड करो। देखो ये सारे आपके इमेजेज आ रहे हैं, यहाँ पे सारे आपके इमेजेज आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इमेज होगा मेरे पास, तो यहाँ पे 6 कर देता हूँ यहाँ पे, 6, कंट्रोल एस करो और आप फिर इसे रीलोड करो। ये सारा इमेज मेरा आ रहा है। अब इमेज का क्या है, आपको इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है, तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, है ना। जैसे आपको 300 कर दो, इसका 200 कर दो, इसका 500 कर दो, तो इस तरह से आप लेंथ विड्थ में आप वेरिएशन कर सकते हो। यहाँ पे रीलोड करो, ठीक है। ये हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लेंथ विड्थ में चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या है, जैसे आप वेबसाइट पे जा रहे हो, यहाँ पे वेबसाइट पे जा रहे हो, सपोज इट आपने कोई वेबसाइट ले ली, अब वहाँ पे से कैसे उसका URL डालना है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे सर्च कर दिया फ्लैग या समथिंग, आपने बुक कर लिया, इमेज पे जाओ और आपने कोई भी बुक ले ली, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक किया और आपने इसका URL कॉपी करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या है, कॉपी, है ना, यहाँ पे है ना URL, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। इसको कॉपी कर लो आप। कॉपी करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे कोड में जो भी है यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। जो भी आप नया चाहिए तो आपको नया चाहिए,
जैसे सपोज डेट मैं 6 में पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया, और हम इसको रीलोड करेंगे अपने पेज को, रीलोड करेंगे। काफी बड़ी है भाई, मैं इसको साइज को छोटा करता हूँ, 200 कर दो, इसको भी 200 कर दो, सेव कर दो। ठीक है, अदरवाइज हम किसी और का लिंक यहाँ पे हम डालते हैं, जैसे बुक है इसका अगर हम लिंक डालते हैं यहाँ पे, कॉपी कॉपी लिंक करो यहाँ पे, कॉपी लिंक, कॉपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करो। जैसे मैं यहाँ पे ये सब को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसका डाल दिया आपको, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आप रीलोड करो। तो इशू हो रहा है, तो इस तरह से आप यूआरएल भी डाल के आप इसको कॉल कर सकते हो। यूआरएल भी डाल के आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।